आपके साथ राखी लांबा। यूपी की योगी सरकार हिंदुत्व के नियम पर चलती है। सीएम योगी खुद हिंदुओं के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और यही कारण है कि उनके नेता और मंत्री भी वैसे ही हैं। यूं तो यूपी बीजेपी में कई दबंग नेता और कई मंत्री हैं, इन्हीं में से एक है यूपी के सबसे बड़े शहर कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे, जो काफी दबंग टाइप की मानी जाती हैं। प्रमिला पांडे शहर में घूम घूम कर लोगों की दिक्कतों को सुनती है और उनका निवारण भी करती है। अभी कुछ दिनों पहले प्रमिला पांडे ने कानपुर महानगर को एक गजब की सजा सुना दी थी। महापौर मेट्रो अफसरों के साथ बैठक कर रही थी और इस दौरान उन्होंने अफसरों से नाराज होकर मीटिंग के दौरान पंखे और एसी एक घंटे के लिए बंद करवा दिए और एक घंटे तक अफसरों को गर्मी में ही बिठाया। दरअसल मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए काटे गए 118 पेड़ों को लेकर प्रमिला पांडे नाराज थी। उन पेड़ों को काटकर अफसरों ने लोगों के घर के बाहर डाल दिया था, जिससे मेयर खफा नजर आई। इसी के लिए उन्हें ये अनोखी सजा दी गई। वैसे तो अम्मा के नाम से प्रसिद्ध कानपुर मेयर प्रमिला पांडे अक्सर चर्चा में रहती हैं और अब एक बार फिर से उनका एक और अलग एक्शन देखने को मिला है। लगातार दूसरी बार कानपुर की मेयर का चुनाव बड़े अंतर से जीतने वाली प्रमिला पांडे ने अब सरकार से अनोखी मांग की है। प्रमिला पांडे ने सरकार के सामने अपनी मांग रखते हुए कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि हिंदू अगर मकान बेचे तो उसे कोई मुस्लिम ना खरीद सके और अगर मुस्लिम अगर अपनी संपत्ति बेचता है तो उसे कोई हिंदू ना खरीद सके। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्रमिला पांडे ने ये मांग क्यों की, तो वो भी आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल प्रमिला पांडे ने पिछली बार कानपुर का मेयर रहते वक्त शहर का दौरा किया था। उन्होंने देखा कि 125 मंदिरों के आसपास मुस्लिम आबादी है और उन्होंने अपना मकान ऐसे बनाए हैं कि मंदिरों की जगह पर कब्जा कर लिया है। प्रमिला पांडे जब मंगलवार को किसी व्यक्ति की शिकायत पर कानपुर के इलाके में दौरा करने पहुंची तो उन्होंने पाया कि वहां भी मंदिर के चारों तरफ मुस्लिम आबादी के घर हैं और इन घरों को इस तरह से बनाया गया है कि मंदिर पर एक तरफ से कब्जा हो गया है। बस इसी पर प्रमिला पांडे ने अपनी नाराजगी जताई, आपत्ति जताई। उन्होंने सरकार से कहा कि संपत्ति खरीदने और बेचने को लेकर एक नियम बनाया जाए। कल एक बुजुर्ग आदमी हमारे पास ऑफिस में गया और उसने बताया कि हमारा एक मंदिर है और एक कुआं है और मुंशी पुरवा में कुछ लोगों ने उसको कब्जा कर लिया है। तो हमने कहा था मैं सुबह आऊंगी, तो मैं आ गई। वो जो कुआं है, कुआं पर तो उन्होंने चारों तरफ से घर बना के कचरा डाल दिया और जो मंदिर है, मंदिर में एक किसी का घर है, उन्होंने उधर खिड़की भी खोल लिया तो गेट भी खोल लिया। ये नियत खराब है, ठीक है। अगर अभी देखिए, पिछली बार हमने 125 मंदिर अपने अभी ढूंढा तो जो इन लोगों की मानसिकता है उससे मैं बहुत परेशान हूँ। हमें मुस्लिम से कोई इतराज नहीं है। अब मेरे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका, ये मेरे साथ हैं, लेकिन जो इनकी मानसिकता जहाँ मंदिर है वहाँ है वो, भाई हमारा मंदिर है, अब आप लोगों ने इतना तो वो किया, लोग हिंदू चले गए तो आप उस मंदिर को मत टच कीजिए। मंदिर हमारा है, वहाँ पड़ा रहेगा, जिस स्थिति में उस स्थिति में बना रहेगा। अब आप वहाँ दरवाजा खोलोगे, आप वहाँ खिड़की खोलोगे, आप वहाँ बाथरूम करोगे, आप वहाँ टट्टी करोगे, तो ये गलत बात है। अब जैसे आज मैं आई, मैं उस बंदे को बधाई देना चाहती हूँ जिसने बुलाया, पार्षद जी ने हमको बताया। अब आप देखिए, ये मेरा पार्क है, ये मेरा बरासशाला है, अब इसमें दो मंजिला मकान बन गया। अब आप देख लीजिए, दो मंजिला मकान बन के तैयार है। अब आप बताइए क्या दर्शाता है, क्या दर्शा। एक तो आज मैं एक अपने सरकार से भी मांग करूंगी कि जो भी हिंदू अपना मकान कोई मुस्लिम न खरीद पाए, कोई मुस्लिम का मकान कोई हिंदू न खरीद पाए। इससे ये होगा कि दोनों साथ में रहेंगे तो मानसिकता बनी रहेगी। हिंदू भाग जाता है तब उनका मकान मुस्लिम न खरीद पाए। क्या कार्रवाई इस पर करिए। तो हमने कहा कि उसने हमसे बताया कि मेरा असिस्मेंट है और मैं इसका टैक्स देती हूँ, लेकिन उसके आदमी को मैंने नगर निगम बुलाया है। हमने अपने अधिकारियों को कहा है कि इसको अगर अवैध है तो इसको गिराने का तुरंत कार्रवाई करें, मैं साथ में खड़ी रहूंगी। मंदिर के लिए कूड़ा, देखो कूड़ा हटवा रहे हैं, जिसका मंदिर है वो करे, हमारी बाउंड्री बनवा दीजिए, बस वो अपना बाउंड्री बना ले, काम खत्म। एक वहाँ मुस्लिम भाई थे, उन्होंने कहा था हम गेट बंद करा देंगे, हम खिड़की बंद करा देंगे, हम छज्जा तोड़वा देंगे, वो करा दें, हम अपना गेट बना ले, क्या मतलब है। वो बंद ही है, वो आपने बंद कराया, हाँ? कार्रवाई कराई, मगर आए दिन उसके बाहर जो क्या कहते हैं फिर से रस्सी लगी हुई है, सब कुछ लगा, उसके बाद दुकानें लग जाती हैं। अब ये प्रमिला पांडे की पहचान दबंग नेताओं में की जाती है, वो किसी के भी दबाव में कभी भी नहीं आती। जो उन्हें ठीक लगता है प्रमिला पांडे वही करती है, इसलिए उन्हें अम्मा के नाम से जाना जाता है।
कानपुर में उनकी सक्रियता की भी लोग जमकर तारीफ करते हैं। जनता कोई भी कैसी भी दिक्कत लेकर प्रमिला पांडे के पास पहुंचते हैं और वो उनका निवारण भी करती है। इसी वजह से कानपुर की जनता ने उन पर एक बार फिर से अपना भरोसा जताया है। कानपुर में उनकी सक्रियता की भी लोग जमकर तारीफ करते हैं। जनता कोई भी कैसी भी दिक्कत लेकर प्रमिला पांडे के पास पहुंच जाती है और वो उनका निवारण भी करती है। इसी वजह से कानपुर की जनता ने उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। वैसे सरकार से प्रमिला पांडे ने जो मांग की है उस पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।